का नाम जरूर पता होना चाहिए तो ये बात दीक्षा मैम की याद रखना ठीक है बच्चों मैम बेचारी तुम्हें बताती रहती है याद रखा करो मैम की बात चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है घर पे बनी हुई दाल या डोमिनोज का पिज्जा बताओ कौन सी इम्पोर्टेंट है कौन से पैकेट ऐसे होता है ठीक है और अगर ऐसे चार मैं जोड़ दू एक दो तीन चार तो वो मेरा कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा अब मैं छोड़ देती हुई मेरे वाईफाई की तार है अगर मैं टर्शरी की बात करूँ

तो अमीनो एसिड क्या होते हैं बहुत सुना है ना प्रोटीन खाया करो ये क्या करो वो किया करो खासकर जो जिम जाते हैं वो तो बहुत प्रोटीन और अमीनो एसिड्स खाते हैं सो so, उनके लिए क्या होते हैं अमीनो एसिड तो बेटा अमीनो एसिड क्या है इनके नाम में ही लिखा है कि एक इसमें अमाइन ग्रुप होगा एक इसमें एसिडिक ग्रुप होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक और मॉलिक्यूल्स राइट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिनमें क्या होता है that contain, that contain, एक तो इनमें वो होगा जो कार्बोहाइड्रेट में था क्या था कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन दैट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड ऑल्सो नाइट्रोजन एंड सल्फर तो अगर कोई पूछे हमारे में ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ जिसमें नाइट्रोजन होता है तो आप स्ट्रेट अवे बोलोगे अमीनो एसिड क्योंकि अमाइन ग्रुप है अमीन ग्रुप जो भी आप बोलते हो तो वो इसमें है तो मतलब उसमें तो नाइट्रोजन होता है राइट दूसरी बात इनको और क्या कहा जाता है इनको हम कहते हैं दे आर सब्सटीट्यूटेड मिथेन क्या है ये सब्सटीट्यूटेड मिथेन मतलब मिथेन को हटाकर कुछ और बनाया गया अब बेटा मीथेन क्या होता है मीथेन होता है सी एच फोर कार्बन की विलेंसी होती है चार तो उसके साथ चार हाइड्रोजन लगा दो तो वो मीथेन बन जाता है पर अगर उसके हाइड्रोजन हटा दो जिसे कहते हैं मीथेन को सब्सटीट्यूट करना तो वो बनता है अमीनो एसिड बट कैसे एक इसमें लगेगा बेटा NH2 टू ग्रुप एक तरफ इसमें लगेगा बेटा सीओ एच क्योंकि ये एसिड है हमने कहा ये क्या है अमीनो एसिड है तो अमीन एसिड साथ में ऊपर लगेगा एक हाइड्रोजन और नीचे लगेगा आर एंड आर क्या है बेटा ये वेरिएंट होता है मतलब आर ग्रुप चेंज होता है अलग अलग अमीनो एसिड में ठीक है सो आर ग्रुप इट इज डिफरेंट इन अमीनो एसिड्स ठीक है मान लो अगर मैं बात करूं किसी अमीनो एसिड में ग्लाइसिन uh, है उस अमीनो एसिड में आर एच होता है एलनिन में सी एच थ्री होता है आपके अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज पे तो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द आर ग्रुप प्रेजेंट ठीक है चलो अब हम कहते हैं कि जिस कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं क्या कहते हैं जिस कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं अल्फा कार्बन तो सिमिलरली इसके पास भी दोनों फंक्शनल ग्रुप है तो बेटा इस कार्बन को मैं बोलूंगी अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन सिंस सभी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बेसिक यही रहता है तो सारे अमीनो एसिड को हम कह देते हैं कि दीज अमीनो एसिड आर ऑल्सो नोन एज एल्फा अमीनो एसिड्स

There is one exception. Except glycine. जो ग्लाइसिन glycine होता है बेटा जो ग्लाइसिन होता है ये होता है सिमेट्रिक वाई लेट सी मैंने कहा अगर एक भी ग्रुप मैच कर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्लाइसीन मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बना रही हूं अगर अगर ये ये बेटा बेटा? का स्ट्रक्चर है, तो तो ग्रुप सेम सेम हो हो गए, so that means हमने कहा था एक भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। so उस कार्बन के ऊपर अलग अलग -लग लगा होता है फंक्शनल ग्रुप और वी कैन से दिस कार्बन इज ऑल्सो सिमेट्रिक बट एक्सेप्ट द ग्लाइसिन अमीनो एसिड राइट सो अगर कोई पूछे हाउ मेनी अमीनो एसिड डू वी हैव से अकॉर्डिंग टू बायोमोलिक्यूल्स एनसीआर टी हाउ मेनी डू वी हैसिड ट्वेंटी प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड राइट बाकी उसकी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं ट्वेंटी में से किसी की और अगर मैं बात करूं जस्ट अमीनो एसिड की नॉट प्रोटीन फॉर्मिंग वन मतलब नॉन प्रोटीन को भी मैं ऐड करूं तो हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं बट प्रोटीन फॉर्मिंग 20 होते हैं आपको पता है ना कि अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं तो so, प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड हमारे पास 20 हैं अकॉर्डिंग टू बायो मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी ऑलराइट बेटा मूविंग फॉरदर टू ग्लिटराइन अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी अमीनो एसिड की हम कहते हैं कि हमारा जो अमीनो एसिड होता है वो अपना एक फॉर्म बदल लेता है मतलब

एग्जिस्ट इन दम्स किस पर डिपेंड करेगा डिपेंडिंग अपॉन पी एच ऑफ सोल्यूशन तो डिपेंडिंग अपॉन पीएच ऑफ दॉल्यूशन अमीनो एसिड कैन एग्जिस्ट इन दीज फॉर्म्स चलो देखिए कौन सी फॉर्म ओके okay? तो बेटा एक मैंने कहा कि ये किस फॉर्म में होता है ये फॉर्म में और एक होता है ये केटनिक फॉर्म में चलो अनायनिक देखते हैं है जिसमें है, तो है यहाँ पर वो एक की तरह काम करेगा ऑल राइट अगर ये एक अनाइनिक फॉर्म में है चलो बनाते हैं इसे सीओ नेगेटिव एच इधर आर इधर एनएच टू तो यहाँ पर ये किसकी फॉर्म में है अनाइनिक फॉर्म में ओके इट कैन ऑल्सो एक्ट अ एजाइन इट कैन ऑल्सो एक्ट अ एजाइन लेट सी हाउ द किटाइन लुक्स लाइक यू बेटर नो यू ऑल्सो डू द केमिस्ट्री पार्ट ओके ये बेटा आपका क्या हो गया ये हो गया आपका आपकाइट अब बेटा मैं पीएच बदल रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ बेटा पीएच चेंज कर रही हूँ तो जब मैंने यहाँ से पीएच चेंज करनी शुरू करी वो नायनिक फॉर्म से कैटनिक फॉर्म की तरफ जा रहा था बट बीच में बेटा एक ऐसा ट्रांजिशन आया बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन आया जिसमें जो आपका अमीनो एसिड है वो एक न्यूट्रल की तरह बिहेव करने लगा वो एक न्यूट्रल की तरह बिहेव करने लगा न्यूट्रल आइन की तरह बिहेव करने लगा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है तो इसे हम बोल देते हैं एक पर्टिकुलर पीएच एक पर्टिकुलर पीएच जब बीच में आई तो उसे हम बोल देते हैं कि वो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच थी उस पी पे ये एक न्यूट्रल आइन की तरह काम करने लगा दोनों पोलरिटी है दोनों तो हम इसे डायपोलर आइन भी बोल देते हैं एंड सेंस ये दोनों का कह लो कि सेंटर का है तो हम इसे क्या कह देते हैं हाइब्रिड एंड हाइब्रिड का दूसरा मतलब क्या होता है ज्विटर ज्विटर का इज़ द मीनिंग ऑफ ज्विटर ज्विटर का मतलब होता है बेटा हाइब्रिड ठीक है तो ये एक हाइब्रिड आइन की तरह बिहेव करने लगा और इसे ही हम ज्विटर आइन कहते हैं सो so ये कहाँ पर किया इसने एट आइसो इलेक्ट्रिक पीएच ठीक है जब मैंने पी बदली इधर से मैं उधर गई तो चेंज करते वक्त ये एक इट 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 एक्ट एक्ट द बोथ एंड एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट आप उसे कहते हैं इसको ज्विटर आइन आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा यस yes? सो so ये होता है बेटा आपका ज्विटर आइन और ये प्रॉपर्टी आपकी अमीनो एसिड्स की है मूविंग फर्दर आगे बढ़ते हैं अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन। सो so, इसकी क्लासिफिकेशन बेटा अमीनो एसिड की बहुत वास्ट होती है सबसे पहली जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो उसके स्ट्रक्चर पर मतलब बेस्ड होगी ये बेस्ड होगी उसके आर ग्रुप पे आर ग्रुप सब में डिफरेंट था ना तो चलो पहला हम करेंगे बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड न्यूट्रल वन हम कहते हैं जो आर ग्रुप होता है वो उसको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है अगर उसमें वो आर ग्रुप एसिडिक है तो वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा अगर बेसिक है एक और थ्री लग गया तो वो भी उसकी तरह बिहेव करेगा लाइक दी बेस ओके तो यहाँ पे होता क्या बेटा कि जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है उसमें उसमें एक एनएच2 होगा एक सीओएच होगा और एक उसमें बाकी जो आर ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगा दैट मीन्स उसमें आर ग्रुप में न्यूट्रल कोई चीज होगी हो सकता है वो हाइड्रोजन हो वो सकता है वो सी एच थ्री हो मिथाइल ग्रुप हो ठीक है तो वो हमेशा न्यूट्रल होगी इलेक्ट्रिकली वो इसको कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं करेगी जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं उसमें हम एक टर्मिनोलॉजी लेकर चलते हैं हर एक अमीनो एसिड का ना एक एब्रीवेशन होता है तो यहां पर हम एब्रीवेशन से याद रखेंगे गैविल गैविल सो जी फॉर ग्लाइसिन 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 का जी है ठीक है देन दूसरा मैंने बच्चे आपको क्या बताया वी हैव गैविल ना तो ए विच इज एल विच इज ए देन वी हैव वेलिन विच इज वी आई फॉर आइसोल्यूसन एंड देन वी हैव ल्यूसन ठीक है फॉर एल एल फॉर ल्यूसिन तो हर एक का बेटा क्या है यहाँ पर एक अपना आ, एब्रीवेशन है अगर मैंने अमीनो एसिड की चेन लिखी है जी ए वी आई एल इसका मतलब पहला जी क्या है ग्लाइसिन फिर दूसरा क्या है एल एन दूसरा वी क्या है जो थर्ड अमीनो एसिड वो है वेलिन ओके तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बेटा हमने बना लिया है आपको भी पता है इसमें क्या होगा एक एन एच टू होगा जैसे कि ऊपर लिखा एक सी ओ एच होगा एक H होगा और नीचे R की जगह बेटा क्या होगा हाइड्रोजन एलन की बात करें इसमें बाकी बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा ठीक है तो नीचे क्या होगा इसमें सी एच थ्री तो वॉट्स द आर ग्रुप्स हेयर आई एम हाईलाइटिंग हेयर हाइड्रोजन हेयर सी एच थ्री अब कई बुक्स में तुम्हें ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी स्टेट्स मिलती हैं जैसे एन एच थ्री पॉजिटिव सी ओ नेगेटिव तो ऐसे मान लेना उन्होंने जो मीनो एसिड रखा है वो हो सकता है उस टाइम पर ज्विटराइन की फॉर्म में हो ठीक है तो इसलिए घबराना नहीं है ये मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ नेक्स्ट बेटा आपके पास है ये वेलिन वेलिन का बेटा स्ट्रक्चर कैसे होता है वेलिन में वही एच इधर एन एच टू इधर सी ओ है ठीक है नीचे क्या होगा सी एच और दो यहाँ पर सी एच थ्री हो तो बेटा ये स्ट्रक्चर हुआ आपका वेलिन का आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन का स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है इनके स्ट्रक्चर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम वही कवर करेंगे विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बेटा हुए आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड जिनमें आता है गेविल जी ए वी आई एल गेविल ग्लाइसिन एलन वेलिन आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे बेटा जो हम अमीनो एसिड करेंगे वो है एसिडिक अमीनो एसिड कौन से हैं अगले एसिडिक अगर ये एसिडिक हैं एसिडिक प्रॉपर्टी कौन सा ग्रुप देता है सीओएच तो मतलब इनमें एक एक्स्ट्रा कौन सा ग्रुप होगा सीओएच सो दे कंटेन 1 एनएच2 एंड 2 सीओएच दे कंटेन्स 1 एनएच2 एंड 2 सीओओएच ठीक है अब अगर मैं बेटा इसकी बात करूं एसिडिक की इसमें कौन कौन से मीनो एसिड आते हैं इसमें आता है बेटा एक ग्लूटामेट जिसको हम ई e से भी डोनेट करते हैं कई ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन उसका सीओ नेगेटिव की फॉर्म में है सीओ एच की फॉर्म में है और एक है बेटा एस्पार्टेट एक है एस्पार्टेट स्पार्टेड के लिए हम लेटर जो यूज करते हैं डी अब इसके लिए ए क्यों नहीं यूज किया क्योंकि ए तो हमने किसके लिए यूज कर दिया था ए हमने एलनिन के लिए यूज कर दिया था अगर मैं ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर देखूँ तो बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वही बेसिक स्ट्रक्चर इधर एन एच टू ऊपर एच इधर सी एच ये तो सब में सेम होता है इधर क्या है फिर सी एच टू सी एच टू और एक्स्ट्रा क्या है सी ओ एच तो इसमें आर ग्रुप हुआ ये ये आर ग्रुप हो इसका ठीक है एस्पार्टेट का बना लेते हैं एस्पार्टेट का इससे भी सिंपल है इसमें दो से एच2 है इसमें बस एक लगेगा बाकी सेम ठीक है देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को इसमें याद करने की क्या आती है स्ट्रक्चर्स ठीक है कुछ स्ट्रक्चर तो बेटा देखो करने ही होते हैं कुछ स्ट्रक्चर तो करने ही पड़ते हैं बट अगर कभी फंस जाओ कभी भी एग्जाम में फंस जाओ तुम्हें अगर स्ट्रक्चर नहीं याद और तुम अगर ये चीज़ याद कर लेते हो क्लासिफिकेशन कि ये एसिडिक है और एसिडिक में दो सी ओ एच होते हैं और एसिडिक मीनो एसिड की एग्जाम्पल है ग्लूटामेट और एस्पार्टेट ठीक है अगर तो दोनों साथ में आ गए विच इज़ अ वेरी रेयर चांस तो आपको पहचानने मुश्किल होंगे अगर मान लो उधर गैविल में से कोई आ गए तीन और एक आ गया ये और आपको पता है उसने पूछा है बताओ इसमें से एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा है और फिर आपको पता है वो दो जिसमें सी ओ एच हुए एक एक और दो वो हमेशा एसिडिक होगा तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो ठीक है अगर स्ट्रक्चर नहीं होते एटलीस्ट आपको बेसिक फंडामेंटल चीज जरूर पता होनी चाहिए कि किस में कितने सी ओ एच है किसमें कितने एन एच टू है एंड प्लस उनका नाम जरूर पता होना चाहिए तो ये बात दीक्षा मैम की याद रखना ठीक है बच्चों मैम बेचारी तुम्हें बताती रहती है याद रखा करो मैम की बातें ओके नेक्स्ट अगले हैं बेटा बेसिक अमीनो एसिड नेक्स्ट क्या है आपके बेसिक अमीनो एसिड बेसिक वाले बेसिक आर ऑपोजिट टू योर एसिडिक एसिडिक में एक एन एच टू दो सी ओ एच थे इसमें दो एन एच टू क्योंकि ये बेसिक है और एक सी ओ एच होगा इसमें बेटा क्या आते हैं एक आता है लाइसिन एक आता है आर्जिनिन लाइसिन के लिए फॉर्मूला है के आर्जिनिन के लिए है आर इसमें आपको स्ट्रक्चर ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको जानना है तो फॉर लाइक दैट मैं आपको एक बार लाइसिन का स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ क्योंकि जो लाइसिन का स्ट्रक्चर से आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि क्या हो, कैसे होते हैं स्ट्रक्चर ठीक है सो आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन मैंने कहा इसमें दो एन एच टू होंगे है ना तो यहां पर सी एच टू विच इज फोर टाइम्स और यहां पर एनएच टू होगा एक ये स्ट्रक्चर बेटा किसका है आपका लाइसिन ओके सो दीज आट दीज अमीनो एसिड अब आते हैं बेटा अब आते हैं सल्फर कंटेनिंग सल्फर वाले सल्फर वाले बेटा कौन से हैं एक है सिस्टीन एक है सिस्टाइन और एक है मेथियोनिन इसमें एक एन एच टू एक सी ओ एच जो कि बेसिक है प्लस एक सल्फर होगा क्या होगा बेटा एक सल्फर होगा सिस्टीन सिस्टाइन और मेथियोनिन इनकी थोड़ी सी स्टोरी अलग है जो सिस्टीन है बेटा उसके लिए हम वन लेटर एब्रिविएशन क्या यूज करते हैं सी इसके लिए एम सिस्टाइन सिस्टाइन के लिए कुछ क्यों नहीं यूज़ करते? बिकॉज़ इट बाय कंबाइनिंग टू सिस्टीन। सिस्टीन जब हम दो सिस्टीन जोड़ देते हैं, तो वो एक सिस्टाइन बनता है। क्या बनता है? एक सिस्टाइन. अब बेटा, इसका कैसा होता है सिस्टाइन। अब बेटा इसमें तो ऑब्वियसली सल्फर तो लगा होगा कैसे लगा होगा तो हम देखेंगे सिस्टीन का ओके okay? अब यहाँ पे सिस्टीन बनाना है मुझे तो मैं यहाँ लगा दूंगी सी एच टू और एस ए तो बेटा ये आपका आर ग्रुप हुआ इसका ये क्या हुआ आर ग्रुप तो ये हुए बेटा आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड अब आगे देखते हैं अल्कोहल वाले अल्कोहल वाले अल्कोहल वालों में बेटा क्या होगा आपको भी पता है अल्कोहल होगी तो इसमें एक एन एच टू एक सी ओ एच और एक ओ एच ठीक है इसमें एग्जाम्पल्स क्या हैं आर है डू वी हैव वी हैव सरीन एंड थ्रियोनिन सरीन के लिए एस एंड थ्रियोन थ्रियोनिन के लिए सॉरी थ्री तो इसमें आप ऐसे याद कर लेना सैट सरीन एल्कोहलिक थ्रियोनिन तो ये सैट से बेटा आप याद कर लेना अब सरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है सरीन में ओके okay, सरीन में बेटा कौन सा ग्रुप होता है इसमें होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप कौन सा हाइड्रोक्सी मिथाइल एंड पूटा स्टार ये एनसीआर ने भी दिया है तो इसका स्ट्रक्चर होगा एच एन एच टू सीओ एच इधर होगा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चा तो ये आपका हुआ बेटा एल्कोहल कंटेन कौन से हुए बेटा ये वाले आपके एल्कोहल कंटेनिंग इसके बाद आपके पास है सॉरी एरोमैटिक एरोमैटिक में बेटा क्या क्या आएंगे फिनाइल एलिनसिन एंड ट्रिप्टोफैन जो बेटा आपका फिनाइल एलन है इसको बोलने में फ की आवाज आती है तो ये क्या होगा बेटा फिनाइल एफ टायरोसिन में वाई एंड ट्रिप्टोफैन में बेटा डब्ल्यू क्योंकि टी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं किसके लिए थ्रियोन के लिए ओके तो जो एरोमेटिक है इसके बेटा आपको सीधी सी बात इनसे इन वैसे ही पता लग रहा है एरोमेटिक का मतलब इनके पास बिनजीन रिंग होगी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा ठीक है सो वॉट डू दे हैव दे हैव बिनजीन रिंग इनके पास क्या होता है दे हैव दे आर एरोटिको दे हैव बेन रिंग लेट्स ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ एक कार्बन है इधर हाइड्रोजन इधर एनएच टू इधर सी ओ एच ये तो बेसिक स्ट्रक्चर अब नीचे वाला कैसे दिखेगा बेटा इधर सी एच टू इधर एक बेनजीन लाइक दिस ठीक है, so, so, है, तो तो अगर बेटा मुझे बनाना मैं क्या करूंगी? सिर्फ ओ OH एच लगा दूंगी तो में एक OH भी लगा होता है बस इसके साथ एक OH लगा दूंगी. Fine. So, बेटा ये हुए आपके एरोमैटिक दीज आर वॉट दीज आर एरोमैटिक वन लेट्स मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट दी एक और क्लास है इसमें हेट्रोसाइक्लिक 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 इनमें भी बेटा रिंग होगी बट ये जो रिंग होती है वो हेट्रोसाग्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है ये बेटा वो रिंग है, जो सिर्फ कार्बन की नहीं बनी होती राइट जो नॉर्मल बेंजीन रिंग है, उसमें छह कार्बन होते हैं ऐसे इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी होगा सो द रिंग विल कंटेन नाइट्रोजन एंड कार्बन दोनों होंगे इसमें बेटा क्या आते हैं प्रोलीन जिसके लिए हम यूज़ करते हैं तभी हमने उसके लिए एफ यूज किया फिनाइल एलानिन के लिए क्योंकि पी इसके लिए कर दिया था इसका एक मॉडिफाइड वर्जन हाइड्रोक्सी प्रोलिन ठीक है एंड वी हैव हिस्टिडिन। तो ये बेटा होते हैं आपके कौन से हेट्रो

ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अमीनो एसिड सेकंड वी हैव दि से थर्ड वी हैव नॉन असेंशियल टोटल कितने हमारे पास बीस ओके असेंशियल कौन होते हैं असेंशियल वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनते एसेंशियल कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है घर पे बनी हुई दाल या डोमिनोज का पिज्जा बताओ कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन से देख के ऐसे होता है जो चीज़ घर पे नहीं बनती ना रोज रोज तो वो टेम्प्ट करती है आपको करती है ना दाल तो मम्मी रोज ही बना देती है तो पिज्जा कभी कभी बनता है तो वो इतना ज़्यादा टेम्प्टिंग लगता है ना आपको भैया है है। ये ही खाना है ना भूख लग गई मुझे भी तो बेटा जो आपके बॉडी नहीं बनाती तो घर घर एक मंदिर है नहीं मन एक मंदिर ऐसा कुछ होता है ना तो मान लो हम एक क्या है हम एक घर की तरह हैं हमारी बॉडी कुछ अमीनो एसिड नहीं बनाती तो हम वो अमीनो एसिड अपनी एक्सटर्नल डाइट से ले लेते हैं खाना वाना से ठीक है तो वो सारे होते हैं असेंशियल नॉन असेंशियल क्या होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती है और हमें इतने रिक्वायर्ड नहीं है जस्ट लाइक योर दाल मम्मा बनाते हैं जो सेमी असेंशियल क्या है जो मतलब आपकी बॉडी बनाती तो है बट कम क्वांटिटी में बनाती है जैसे मम्मा दही बल्ले बनाती तो हैं पर कभी कभी बनाती हैं तो आप बोल देते हो मम्मा आप दही बल्ले अच्छे बनाते तो बाजार से क्या मंगाने खुद ही खा लेते हैं है ना पर क्वांटिटी कम है मतलब कम बनाते हैं कभी कभी बनाते हैं ना तो इसीलिए वो क्या होते हैं बेटा सेमी असेंशियल तो सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी बनाती तो है बट बहुत कम क्वांटिटी में ठीक है या फिर कभी कभी बनते हैं कभी कभी नहीं बनते एंड नॉन असेंशियल ये आपकी बॉडी हमेशा बनाती है सो यू डोंट हैव टू टेक इट फ्रॉम एक्सटर्नल डाइट एंड असेंशियल योर बॉडी डोंट प्रोड्यूस इट सो यू हैव टू टेक फ्रॉम द एक्सटर्नल डाइट तो आपको कॉल करना होता है उसको ऑर्डर करने के लिए ठीक है एंड कॉल करना इज लाइक यू आर ईटिंग फूड so what are the essential amino acid the amino acid which are not produced by our body so we have to take it so we have to take it through diet. Econ say our body produces the amino acid but in low quantity. But in low quantity. Then we have it a non-essential, the body produces it. See? बॉडी प्रोड्यूस इट ओके लाइसिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन वेल इन फिनाइल एलिन इन मेथनिन ट्रिप्टोफेन थ्रियोनिन उसको याद कैसे करोगे लिव लाइफ इन वेगस प्लीज ट्राई माई टी लिव लाइफ इन वेगस वेगस ऐसे ही लिखते हैं ना कोई वाला वेगस है ये बाहर वाला अब मैंने तो वेगस नर्व लिख दी यार कैसे चलेगा मेरा बायो की टीचर हूँ मैं वेगस वही आया वेगस नर्व देन फिनाइल एलन प्लीज ट्राई माय ठीक है चलो तो ये ऐसे याद कर लेना ओके okay. क्या करूं बेटा बायो की टीचर हूं मैं मैं भी मजबूर हूं <laughs> चलो बेटा आगे बढ़ते हैं आगे करते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी तो अमीनो एसिड बेटा कईयों में आपने देखा होगा न्यूट्रल ग्रुप थे एकदम न्यूट्रल मतलब उनमें कोई चार्ज वार्ज नहीं होगा ठीक है तो देर आर सर्टन अमीनो एसिड जिनमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होती एंड कईयों में पोलैरिटी होती है तो वी हैव पोलर अमीनो एसिड एंड देन वी हैव नॉन पोलर नॉन पोलर अमीनो एसिड मतलब नो पोलारिटी इसमें आते हैं आपका गेविल गेविल क्या था ना आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड यस सो जो भी आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड है बेटा वो इसमें आते हैं आपके एरोमेटिक भी कुछ इसमें आते हैं नॉन पोलर में इवन योर प्रोलीन वो भी नॉन पोलर में आता है ठीक है तो उसमें कुछ एरोमेटिक भी आते हैं ठीक है एंड इवन योर प्रोलिन ओके मूविंग टू द पोलर वन सो दैट मींस इनमें पोलैरिटी है क्योंकि प्लस माइनस चार्ज होना यही होता है ना पोलैरिटी बेटा ठीक है अब पोलैरिटी में बेटा एक चार्ज हो सकता है डोमिनेट करे एक ना करे सो टिपिकली वी हैव द चार्ज्ड वंस एंड दूसरा अनचार्ज्ड ठीक है जैसे जो आपके अल्कोहल वाले होते हैं आपका सेरीन हो गया आपका थ्रियोनिन हो गया ये सारे कौन से हैं दीज आर पोलर बट इनमें कोई चार्ज डोमिनेट नहीं करता ठीक है इनमें चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है तो ये पोलर तो हैं क्योंकि इसमें ओएच OH ग्रुप होता है ओ नेगेटिव देता है एच पॉजिटिव देता है तो पोलैरिटी तो बेटा इनमें है बट इनमें चार्ज नहीं है तो आपका सेरीन हो गया थ्रोनिन हो गया आपका इनफैक्ट सस्टीन हो गया वो भी इसमें आता है ओके अगर मैं बात करूं चार्ज की अब कुछ थे जिनमें पॉजिटिव चार्ज डोमिनेटिंग था क्योंकि उनमें दो एनएसटो ग्रुप थे अब कुछ थे जिनमें सी ओ एच दो थे तो वो उनमें नेगेटिव चार्ज डोमिनेटिंग था तो इसमें होंगे बेटा अगर मैं चार्ज की बात कर रही हूं सो वी हैव द वन विद नेगेटिव चार्ज द वन विद पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव वाले कौन से थे बेसिक दैट इज लाइसिन आर्जिन वेर नेगेटिव वाले कौन से थे ग्लूटामेट एंड ठीक है तो ऐसे भी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज इवन आपका जो हमने प्रोलिन के साथ हिस्टेडिन किया था ना वो भी पॉजिटिव वाले में आता है

फंक्शन क्या होते हैं अमीनो एसिड के सबसे पहले बेटा फंक्शन क्या है क्या बनाता है अमीनो एसिड बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं प्रोटीन सो दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन सो फर्स्ट फंक्शन इज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन ये प्रोटीन बनाते हैं दूसरा बेटा हमें लिवर में एक प्रोसेस चल रहा होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है ये प्रोसेस ग्लूको मतलब ग्लूकोस नियो मतलब नया जेनेसिस मतलब फ़ॉर्मेशन हमें नया ग्लूकोस बनाना है पर वो हम ग्लूकोस ग्लाइकोजन से नहीं बनाएंगे तो वो हमने ग्लूकोस कहाँ से बनाया या तो फैट से या अमीनो एसिड प्रोटीन से या लैक्टिक एसिड से तो व्हाट इज़ अ ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज क्या बनाते हो बेटा ग्लूकोज से कहा एसिड और फैट और लैक्टिक एसिड ये प्रोसेस आपके लिवर में चलता है ठीक है जब ग्लाइकोज़न रिजर्व खत्म हो जाता है तो इन्हीं से ग्लूकोज बनाया जाता है फिर उसके बाद वो टूटते हैं और टूटकर एनर्जी देते हैं इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर अमीनो एसिड से हम बात करते हैं बेटा जैसे हमने glycine glycine बहुत हो गया है बात करें टायरोसिन पढ़ा था ना हमने वाई था जिसका एब्रीवेशन एरोमेटिक फिनाइल एलिन के नीचे जो टायरोसिन बेटा उससे थायरोक्सिन हॉर्मोन बनता है क्या बनता है थायरोक्सिन ये याद रखना काम आता है आगे एड्रेनालिन भी बनता है ट्रिप्टोफैन की बात करते हैं जो इसके साथ ही किया था जिसका w था वन लेटर एब्रिविएशन इससे विटामिन B3 बनता है क्या बनता है बेटा ट्रिप्टोफैन से विटामिन B3 बनता है ट्रिप्टोफैन से बेटा और क्या बनता है मेलाटोनिन हार्मोन भी बनता है जो स्लीप एंड वेक साइकिल कंट्रोल करता है क्या कंट्रोल करता है स्लीप एंड वेक साइकिल जो हिस्टेडिन होता है हिस्टेडिन से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाता है और वो उसकी डी कार्बोक्सिलेशन होती है तो वो बनता है हिस्टमिन विच इज अ पावरफुल वेजोडाइलेटर ठीक है हिस्टामिन आपकी बॉडी में होता है जो ब्लड वेसल्स को क्या करता है बेटा ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करता है जब उसका ल्यूमन क्या कर देता है वाइड कर देता है ओके तो ये थे बेटा कुछ इसके आ, Uh, कुछ रोल और कुछ अमीनो एसिड से बेटा क्या बनता है जैसे ऑर्निथिन साइकिल सुने यूरिया साइकिल ऑर्निथिन जो है वो भी आपका एक नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड है ऑर्निथिन सिट्रोलिन वो था अमीनो एसिड नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग ये क्या बनाते हैं बेटा ये बनाते हैं यूरिया फॉर्मेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोड्यूस न्यूरो मैंने कहा था ना कि क्या कि हम में नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स भी होते हैं तो वो क्या करते हैं जैसे एक गाबा न्यूरो अमीनो एसिड से ही बनता है तो ये बेटा हुए आपके फंक्शन अमीनो एसिड्स के आगे चलते हैं तो आगे बेटा पढ़ेंगे हम तो चलो देखते हैं बेटा प्रोटीन तो प्रोटीन तो होते क्या है सबसे पहले और प्रोटीन्स आपके सेल में कितना होते हैं तो so, बेटा अगर मैं एक सेल की एवरेज कॉम्पोजिशन देखूं कि सेल के अंदर क्या क्या होता है सो वॉट डू आई हैव इन अ सेल सेल में बेटा वाटर होता है वाटर कितना होता है अराउंड सेवेंटी टू नाइन्टी परसेंट देन आई हैव प्रोटीन्स प्रोटीन्स कितने होते हैं बेटा टेन टू फिफ्टीन परसेंट देन आई हैव उससे कम न्यूक्लिक एसिड विच इज़ फाइव टू सेवन परसेंट देन आई हैव कार्बोहाइड्रेट which is around 3% then i have lipids which is around 2% and then ions so agar koi puche agar koi puche which is the most abundant which is the most abundant organic compound in a cell so you will directly say it is a protein organic ki baat kar rahi hu main Organic की अगर normally पूछा तो आपको पता है water, but water inorganic होता है तो so, सबसे ज्यादा आपके पास क्या होते हैं बेटा Proteins होते हैं एक सेल में और जो प्रोटीन होते हैं जैसे हमने किया कि अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन तो प्रोटीन किसके बने हैं आर ऑफ अमीनो एसिड अलग अलग होते हैं तो योर प्रोटीन इज अट्रोपोलिमर इट्स नॉट अ होमोपोलीमर कभी भी सेम टाइप के अमीनो एसिड नहीं बनाते प्रोटीन अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड बनाते हैं आपका

प्रोटीन इन एनिमल्स तो वो कौन है ये क्वेश्चन आता था 2012 की ए में तो मोस्ट अबंडेंट अबंडीन इन एनिमल्स इज योर कोलेजन अगर बात करूं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर तो बेटा आपका आएगा रूबिस्को ठीक है कल हमने या प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था हमने किया था कि आपका मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बायोस्फीयर वॉस सेल्यूलोस बट यहाँ प्रोटीन की बात हो रही है तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना तो चलो आगे चलते हैं देखते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर सो so, बेटा प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं स्ट्रक्चर्स के ठीक है जो केमिस्ट्री वाले होते हैं ना वो जब भी कोई मॉलिकुलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो टू में देखते हैं और जब फिजिस देखता है तो वो थ्री में देखता है उस स्ट्रक्चर को तो हम यहाँ पर थ्री स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोटीन के अगर मैं बात करूं प्रोटीन के बेटा प्रोटीन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं सबसे पहले जैसे आप यहां देख सकते हो वी हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर देन वी हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर देन वी हैव टर्शरी स्ट्रक्चर

फिर अगर और आप उसको कंडेंस कर दो तो वो टर्शरी बनता है और चार यूनिट जोड़कर क्वार्टनरी बनता है ठीक है जैसे बेटा अगर मेरे पास अगर मैं बोलूं ये है एक तार लंबी ये मेरा कौन सा स्ट्रक्चर है ये मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर है दिस इज माय प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर मैं इसकी और ऐसे कॉइलिंग ट्विस्टिंग कर दूं तो मेरे पास बेटा कौन सा आएगा मेरे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर आएगा ऐसा दिस इज माय सेकेंडरी स्ट्रक्चर ठीक है ये वाला उधर वाली तार को इग्नोर करो ये वाला ये जो कॉइलिंग सी है ये सारी सेकेंडरी है इसको और अगर बॉन्ड्स मिले आपस में जुड़े तो ये एक ऐसे ऐसे बॉल बॉल बन बन जाएगी like बन जाएगी लाइक दिस ये ये ठीक है बेटा क्या है ये है मेरा बेटा आपका टर्शरी स्ट्रक्चर ठीक है और अगर ऐसे चार मैं जोड़ दूं एक दो तीन चार तो वो मेरा कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा क्वार्टनरी अब मैं इसे छोड़ देती हूँ ये मेरे वाईफाई की तार है एनीवेज चलो तो बेटा ऐसे ही हम इसको डिटेल में करेंगे इन स्ट्रक्चर्स को ओके okay. तो so, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर ये कैसे बनता है इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर और जब भी हमें अमीनो एसिड्स की चेन का सीक्वेंस जानना होता है प्रोटीन में मैंने कहा प्रोटीन बना है अमीनो एसिड की चेन का अब मुझे देखना है उस चेन में कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है कौन सा पहले प्रेजेंट है कौन सा बाद में प्रेजेंट है तो मैं क्या देखूंगी मैं उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर फरोलूंगी ठीक है सो ये क्या बताता है इट दीक्वेंस इटेल दीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन इन अ प्रोटीन उ इट इज फॉर्म्ड मैंने कहा ये एक लंबी तार की तरह है तो ये कैसे फॉर्म होता है बेटा ये कैसे फॉर्म होता है लाइट सी देखो हमारे पास दो अमीनो एसिड होने चाहिए और ये आपस में जुड़ने चाहिए like लाइटिस तो ये इस तरह से अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो आपका क्या बनता है एक पेप्टाइड चेन बनती है एंड दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर इमेजिन करो तुम्हारे पास ये पहला अमीनो एसिड है ये एक अमीनो एसिड है बेटा अब हम यहाँ पर दूसरा बना देते हैं मॉलिक्यूल में जब भी कोई बॉन्ड बनाना है तो पानी निकाल देना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया था हमने बनाया था ना कार्बोहाइड्रेट में उसमें पानी निकाला था तो चलो यहां पर भी थोड़ा पानी रिमूव कर देते हैं तो हमने इसका एक हाइड्रोजन ले लिया इसका ओ ले लिया तो क्या रिमूव हुआ बेटा पानी रिमूव हुआ और जब हमने यहाँ पर बेटा पानी रिमूव किया तो हमारे पास क्या बॉन्ड बना जेम्स बॉन्ड नहीं बना यहाँ पर बॉन्ड बना विच इज CO NH और इस बॉन्ड का नाम क्या है बेटा इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड इसमें अमाइड बॉन्ड भी इसे कहला देते हैं क्योंकि इसमें NH है इसे अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं एंड इट इज अ टाइप ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है वैसे ये कोवलेंट बॉन्ड ठीक है तो यहां पर हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड को जोड़कर रख रहा है और जो चेन बनी है हम इस चेन को बोलेंगे क्या है, तो है, है. इसमें बेटा कितने अमीनो एसिड यूज हुए दो पर कितना आपका कितना पेप्टाइड बॉन्ड है एक अगर मेरे पास तीन अमीनो एसिड की चेन है तो मैं इसे क्या बोलूंगी और इसमें कितने पेप्टाइड है दो पेप्टाइड ठीक है तो ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर अब बेटा हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो नहीं जी सकता तो ये फर्दर ट्विस्टिंग और बेंडिंग करके अगला स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं सेकेंडरी चलो मूविंग टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट सेकेंडरी तो सेकेंडरी इज फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय फर्दर ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग जैसे हमने वो स्पाइरल सा बनाया था ठीक है वो बना ओके okay. चलो देखते हैं तो so, बेटा इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं एक वो स्पाइरल वाला जिसको हम कहते हैं अल्फा हेलिकल अल्फा हेलिकल एल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो आपका बेटा अमीनो एसिड का बनता है इसमें जैसे डीएनए में कैसे होती है ये राइट right हैंडेड होती है ओके okay? तो चलो बनाते हैं हम इसे ये राइट right हैंडेड हेलिक्स लाइक दिस ओके एक टर्न है इसकी ये, ये इसकी एक टर्न है ठीक है ये इसकी एक टर्न है दिस इज इट्स वन टर्न एक टर्न में बेटा इसमें 3.66 अमीनो एसिड होते हैं 3.66 अमीनो एसिड ठीक है मतलब तीन तो पूरे होंगे जो लास्ट वाला फोर्थ वाला होगा उसका थोड़ा सा पार्ट दूसरी टर्न में चला जाता है इसलिए हम कहते हैं साढ़े तीन लगा लो ठीक है 3.66 अमीनो एसिड होते हैं और जो बेटा ये आपका एक टर्न होता है जो आपका ये एक टर्न होता है इसकी कितनी लेंथ होती है कितने का है ये जीरो पॉइंट फाइव फोर नैनोमीटर का एंड याद रखना इट इज ऑलवेज राइट हैंडेड हेलिक्स राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कौन सी होती ये मैंने ऐसे बनाई है लेफ्ट हैंडेड ऐसी होती राइट right हैंडेड ऐसी होती है ठीक है चलो अब बेटा ये आपको प्रोटीन मिलता कहाँ पर है कहाँ पर मिलता है ये आपको मिलता है किराटिन में हमारे जो ये घने घने बालों में होता है किराटिन ठीक है ये हमें कहाँ पर मिलता है हमारे मायोसिन में मायोसिन प्रोटीन में हमारे ट्रोपोमायोसिन में यहाँ पर भी

आप भी बनाओ चलो मेरे साथ साथ वो जापानी पंखा एक बार बना दो वो जो हम प्लेट से बनाते थे उसके बाद उस प्लेट को आप खोल दो बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ बनाओ क्लास ही तो चल रही है और क्या चल रहा है चलो चलो किसी ने पीछे कुछ चलाया और गाने वाने कुछ कह नहीं सकते करते हो ना ऐसे <laughs> चलो बेटा ये हुआ हमारा जापानी पंखा जो गिर गया है और ये बन गई एक बीटा प्लेट ये बन गई एक बीटा प्लेट ठीक है ऐसे तो ये एक बीटा प्लेट है इसके ऊपर एक 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 ऐसे ऐसे स्टैक करती जाती हैं प्लेट्स ओके तो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में बेटा कुछ प्लेट एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं कुछ सेम मैनर में चलती हैं तो हम कहते हैं ये दो तरह का स्ट्रक्चर है एक पैरलर और दूसरा एंटी पैरलर ठीक है जो पैरलर स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा ये एक प्लेट है ठीक है ये दूसरी प्लेट है ये ऐसे चलेगा इसमें भी एक प्लेट है ये दूसरी प्लेट है ठीक है चलो यहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अब हमने बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर किया था यहाँ पर एक, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर किया था प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर आप देख पा रहे हैं ये वाले एंड पे एन एच टू फ्री है इस वाले एंड पे एन एच टू फ्री है तो ये टर्मिनल को हम कहेंगे एन टर्मिनल क्या कहेंगे एन टर्मिनल क्योंकि इसमें एन फ्री है इस वाले को हम बोलेंगे सी टर्मिनल क्योंकि इसमें क्या फ्री है सीओ एच तो जब भी मुझे जानना है वेन एवर आई रीड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आई विल ऑलवेज रीड फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल लाइक दिस फ्रॉम एन टू सी ठीक है इमेजिन करो मेरे पास ये ए वन है ए टू ए थ्री ए फोर अगर मैं चाहती हूं ये ए वन ही कैसे है क्योंकि ये एंड टर्मिनल पे है इसका यहाँ पर NH2 टू फ्री है ये सी है लास्ट ही क्यों है क्योंकि इसका सी ऊच फ्री है ठीक है चलिए अब हम ये अप्लाई करते हैं यहाँ पर जो पैरलर होता है उसमें एन से सी एन से सी और नीचे वाला भी एन से सी पड़ा होता है लाइक like दिस ठीक है तो यूजुअली इसका जो स्ट्रक्चर नीचे वाला बेटा बनता है वो ऐसे ही बनता है कि एक दूसरे के ऊपर ये स्टैक कर जाते हैं लाइक दिस ओके वेयर एज जो एंटी पार्लर होता है इसमें एक एन टू सी होती है टर्मिनल एक सी टू एन होता ठीक तो है है तभी मैंने पर समझाया नहीं तो फिर आपको दोबारा ऑपोजिट so so मतलब है, तो है, है आप देख सकते हो फर्स्ट वाला उसका उधर है तो इसीलिए इन शीट्स को हम पार्लर और एंटी पार्लर कहते हैं जो आपका सेकेंडरी uh, स्ट्रक्चर होता है बेटा अगर मैं बात करूं इसकी और दूसरे की इनमें कोई तो बॉन्ड होगा ना जो इनको एक शेप आकार दे रहा है जो स्टेबलाइज कर रहा है कोई तो बॉन्ड होगा तो अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूं इसमें जो बॉन्ड इनको स्टेबलाइज करता है बेटा वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर ठीक है अगर मैं बात करूं इसमें तो हो सकता है एक किसी का एन हो इधर किसी का सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हो और एक का o दूसरे के एच के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर दे कर दे ना कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरा का पॉजिटिव दैट इज ऑलवेज हाइड्रोजन तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बन जाती है सिमिलरली बीटा प्लीटेड में भी बेटा क्या है बीटा प्लीटेड में भी जो बॉन्ड्स एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहे हैं वो कौन से बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है तो याद रखना ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है तो आप बोलोगे वो है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरलर मिलता है बीटा कैरेटिन में क्योंकि बीटा कैरेटिन में नहीं होता ये होता है बेटा रेप्टाइल्स के नेल्स में स्किन में एंटी पैरलर मिलता है बेटा सिल्क प्रोटीन में कहा मिलता है सिल्क प्रोटीन में जिसे आप फिब्रोइन भी कहते हैं आपको पता है ना सिल्क की जो साड़ी होती है उसका धागा एक एनिमल से बनता है और राइट right, ये था बेटा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेट्स वन अब जब आप और ट्विस्टिंग बेंडिंग कॉइलिंग सब करोगे तो एक वुलन बॉल, बॉल बन जाएगी वो है आपका स्ट्रक्चर तो टर्शरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म इट इज फॉर्म्ड बाइलिंग ठीक है चलो अगर मैं बात करूं बेटा आपके प्राइमरी uh, स्ट्रक्चर की तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड था पेप्टाइड अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, उसमें कौन सा बॉन्ड था पेप्टाइड भी क्योंकि वो तो हमेशा रहेगा साथ में हाइड्रोजन अगर मैं टर्शरी की बात करूँ पेप्टाइड भी होगा हाइड्रोजन भी होगा बाकी भी बहुत कुछ होगा चलो देखते हैं तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है बेटा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उससे हम क्या बेनिफिट ले रहे थे उससे हम सीक्वेंस रीड कर सकते थे फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल जो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है ये उसे फंक्शनल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है सो इट प्रोवाइड्स फंक्शनल प्रॉपर्टी इस स्ट्रक्चर के आने से प्रोटीन फंक्शनल हो जाता है इट प्रोवाइड्स फंक्शनल प्रॉपर्टी ओके जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं बेटा एग्जाम्पल है इंजाइम इंजाइम को अगर हाई टेम्परेचर पे रखते हो तो ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे रखते हो तो इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचरेशन तो जब वो टूट गए तो मतलब उसका टर्शरी स्ट्रक्चर टूट गया अब इंजाइम जो काम कर रहा था वो नहीं करेगा तो जब आप इसको दोबारा जोड़ दोगे तो इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी अचीव हो जाएगी क्योंकि इसका टर्शरी स्ट्रक्चर दोबारा बन गया तो याद रखना टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स फंक्शनल प्रॉपर्टी तो आपको मैंने एक टर्म यहाँ पर बताई डी वो क्या बताया क्या होता है डी नेचरेशन डी में बेटा बॉन्ड्स टूटते हैं क्या टूटते हैं बॉन्ड्स तो जब भी आप पीएच टेंपरेचर प्रेशर ऐसे कोई चेंजेस लाते हो तो इसके जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी नेचुरेशन तो ड्यू टू चेंज इन पीएच एच temperature etc the bonds of the protein destroys which destroys its tertiary structure और बेटा ये जो प्रोटीन है ये किसकी तरह दिखता है इट लुक्स लाइक और अपीयर लाइक अपीयर लाइक आलन बॉल जैसे ऊन का गोला होता है ना सर्दी का मौसम आ गया वैसे मम्मी स्वेटर बुनती है ना तो ऊन का गोला नहीं होता बिल्कुल वैसे ही होता है ये अब इसमें क्या क्या प्रोटीन्स होते हैं चलो इससे ये अगर मैंने कहा ऊन का उनका गोला है ऐसे ये जो प्रोटीन है इसमें क्या क्या बॉन्ड्स होते हैं चलो देखें अब मैंने इसको जूम किया मैंने क्या किया बेटा इसको छोटे से पार्ट को जूम किया और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मान लो ये इसकी पेप्टाइड चेन है एक ठीक है अब क्या क्या तरह के बॉन्ड्स होंगे इसके पास एक तो बेटा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ठीक है जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये आप जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो वही वाला आयोनिक बॉन्ड एक बॉन्ड होगा बेटा इसका हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ठीक है एक होगा बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला ओके एक होगा इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा एक होगा बेटा इसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो न्यूट्रल एटम्स के बीच में होता है और एक होगा बेटा जो ओ एच ओ एच के बीच में होगा पोलर बट अनचार्ज में विच इज दॉल्व फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन ओके वॉन्डर फोर्स तो ये सारे बेटा इसमें होंगे ये कौन सा है आयोनिक ये कौन सा है हाइड्रोजन तो ये सारे इसको स्टेबल करते हैं ये कौन सा है बेटा ये हाइड्रोफोबिक और ये है डायसल्फाइड विच इज अ कोवलेंट बॉन्ड एंड दिस इज अ अंडरबॉल फोर्सेज ओके तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं बेटा मैं आपको दोबारा से इनको इनमें से बता दूंगी अभी हम पहले इसे कंप्लीट करते हैं फिर मैं सिर्फ एक स्लाइड में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अगला स्ट्रक्चर है बेटा क्वार्टनरी क्वाटनरी में क्या होता है जो अभी तक हमने करे हमने एक ही लंबी तार लेकर चल रहे थे तो ये था स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जब आपके पास एक ही लंबी तार होती है ठीक है अगर आपके पास लंबी तारें चार हैं और चारों अलग अलग टर्सरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं और फिर वो सारी पैक हो जा रही हैं तो वो आपके क्या हुए क्वार्टनरी स्ट्रक्चर तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कब बनता है वेन आर नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या है बेटा जो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ओके एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन इसमें क्या होता है बेटा आपके पास एक चेन ये होती है एक ये होती है दो अल्फा और दो बीटा लाइक like दिस ये ग्लोबिन पार्ट होता है बीच में आयरन होता है ठीक है तो एक स्ट्रक्चर को मैं सब यूनिट कहती हूं दिस इज सिंगल सब यूनिट तो हीमोग्लोबिन विच इट्स सो विच स्ट्रक्चर इट शोज इट शोज अ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोटीन एक मायोग्लोबिन भी होता है ना मसल में किया था हमने ब्रीदिंग में मायोग्लोबिन कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है मायोग्लोबिन शो करता है ठीक है चलो मैं आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं देखो कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर बेटा कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर आई होप अब आप थोड़ा क्लियरली देखोगे यू कैन सी इट नाउ मोर क्लियरली इफ द लाइट्स आर ऑफ ओके प्रिटी गुड प्रिटी गुड

तो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है द हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ वॉट बेटा इट इज मेड अप ऑफ द टू एल्फा एंड टू बीटा चेन किसका बना है टू एल्फा एंड टू बीटा चेन का बना है एंड ये क्या करता है बेटा ये जो आपका स्ट्रक्चर है दो अल्फा दो बीटा चेन का जो बना है ये इसके अंदर एक हीम पार्ट होता है सो so, टेक्निकली जैसे हमने किया था ना वहाँ पर ब्रीदिंग में कि आपका हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन सो so, इसके अंदर यहाँ पर आपको हीम पार्ट्स दिखेंगे से क्वेश्चन आते हैं किसमें कौन सा बॉन्ड है सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी हम ऐसे भी लिख देते हैं प्राइमरी में कौन सा बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड ठीक है सेकेंडरी में कौन सा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड थर्शरी में कौन सा बॉन्ड पेप्टाइड ये तो सब में ही जाएगा पेप्टाइड तो सब में ही जाएगा ठीक है हाइड्रोजन आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल देते हैं वॉन्डवॉल फोर्सेस डायसल्फाइड ठीक है एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन ये सब होते हैं अगर कोई पूछे बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन सा बॉन्ड स्टेबलाइज करता है तो आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्ड करता है कौन सा बॉन्ड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड करता है टर्सरी को कौन करता है तो आप इन सबको बोल दोगे ठीक है अगर कोई पूछे आउट ऑफ ऑल दीज बॉन्ड मतलब अगर बोल दिया इन्होंने सबसे लेट कौन सा बॉन्ड टूटता है तो आप बोलोगे पेप्टाइड बॉन्ड ये स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड होता है ठीक है तो इट इज द स्ट्रोंगेस्ट वन तो ये सबसे लेट बॉन्ड जो है ये टूटता है ओके जब भी हम पेप्टाइड को या फिर अमीनो एसिड को लर्न करते हैं या फिर सीक्वेंस देखते हैं अमीनो एसिड की प्रोटीन में हम कैसे देखते हैं ऑलवेज फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल दैट मीन्स जो भी अमीनो एसिड यहाँ पर होगा वो फर्स्ट होगा जो यहाँ पर होगा वो अमीनो एसिड लास्ट होगा ठीक है बच्चे सो दिस इज हाउ यू रीड द सीक्वेंस ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेंज होंगे चेंज अगर होंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा क्वार्टनरी बनेगा सो so, ये रिवीजन थी बेटा इसकी चलो अब क्लासिफिकेशन करते हैं तो यस वी आल्सो क्लासिफाई द प्रोटींस पहली क्लासिफिकेशन है बेटा प्रोटीन्स की ऑन द बेसिस ऑफ कि उनमें कितने गुण हैं प्रोटीन में गुण अब बोलोगे मैम यार इन तो, इनको तो बक्ष देते हैं ना तो बेटा यस प्रोटीन में भी गुण होते हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल वैल्यू अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन वी हैव फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड वी हैव सेकेंड क्लास ओके जैसे एरोप्लेन में होती है ना फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास कैसी होती है थोड़ी बड़ी होती है, है ना उसमें सब चीजें होती है कंप्लीट पैकेज होता है तो इसीलिए इनको कंप्लीट भी बोल देते हैं ठीक है और इनको इनकम्प्लीट जो फर्स्ट क्लास या कंप्लीट वाले हैं उनमें बेटा आपको हर तरह का अमीनो एसिड मिलेगा यू विल यू कैन फाइंड एवरी टाइप ऑफ अमीनो एसिड इन दैट पर्टिकुलर प्रोटीन दैट मींस आपकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी हो जाएगी सो ऑल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट ठीक है ये कहा मिलता है बेटा ये आपको मिलता है एग्स में वेयर एज इसमें नॉट ऑल अमीनो आर प्रेजेंट और पर कौन से अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की हमने अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन की थी असेंशियल की बात करें तो अगर सारे असेंशियल हैं तो वो अच्छा है फर्स्ट क्लास है वो एग्स में होता है ये है बेटा आपके वीट में आटे में ठीक है दूसरी बेटा हम क्लासिफिकेशन करते हैं हम कहते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होते हैं बेटा सिंपल प्रोटीन्स और एक होते हैं कॉन्जुगेटेड क्या होते हैं कॉन्जुगेट जो आपके सिंपल प्रोटीन है इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है बड़े सिंपल से साधारण व्यक्ति हैं सिर्फ अमीनो एसिड की लंबी लंबी चेन है सो दे अमीनो एसिड मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड ठीक है पर जो कॉन्जुगेटेड वाले हैं बेटा जो कॉन्जुगेटेड वाले हैं इनमें अमीनो एसिड तो है साथ में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप और जब भी प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात आए तो समझ लेना वो टाइटली बॉन्डेड है वो क्या है बेटा जब भी बात हो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तो याद रखना वो टाइटली बॉन्डेड है All right, तो so, अगर मैं बेटा अगर मैं इनकी बात करूं आपके प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप वाले क्या-क्या होते हैं सो लेट्स सी हमारे अंदर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं होते हैं ना ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन पार्ट तो है साथ में बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा आपका कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल म्यूसिन जो आपके म्यूकस में होता है ठीक है आपकी एंटीबॉडीज वन विच फाइट इन्फेक्शन दूसरा बेटा आपके पास होते हैं जैसे लाइपोप्रोटीन लाइपोप्रोटीन Lipoprotein में बेटा क्या होगा प्रोसेटिक ग्रुप लिपिड्स होंगे जैसे आप डाइजेशन में पढ़ोगे आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी काइलोमाइक्रॉन ठीक है इसके अलावा बेटा आपके पास और भी बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं जैसे फॉस्फो प्रोटीन जिसमें क्या होगा फॉस्फेट होगा लाइक केसीन जो आपके मिल्क में होता है मिल्क में प्रोटीन होता है ना केसीन इसके अलावा मेटेलो कोई मेटल आइन भी हो सकता है ठीक है कोई भी मेटल हो सकता है जैसे कैल्शियम है तो कैल तो इस तरह से आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन भी हम करते हैं किसकी प्रोटीन की अब कई प्रोटीन आपने सुना होगा बेटा उसके साथ लगे होते हैं न्यूक्लिक न्यूक्लिक के के साथ के साथ सॉरी यस एसिड भी तो लगे होते हैं ना कुछ प्रोटीन आपके तो उनको हम जैसे प्रोटामीन्स प्रोलानीन्स बोलते हैं तो वो भी एक एग्जाम्पल है और लाइट ये थी बेटा आपकी क्लासिफिकेशन आगे बढ़ते हैं आगे करते हैं फंक्शन क्या है प्रोटीन का क्या करते हैं हमें प्रोटीन 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 लगा रखिए क्या है ये भाई इतनी क्या इंपॉर्टेंस इनकी आज आपको पता चलेगा अभी जाओगे ना प्रोटीन खाने शुरू कर दोगे बेटा सबसे पहले पहला प्रोटीन है कोलेजन कोलेजन की बात करेंगे अगर मैं बात करूं कोलेजन की लेट्स टॉक अबाउट कोलेजन फर्स्ट कोलेजन इज अ प्रोटीन जो आपके स्किन के नीचे होता है आपके कनेक्टिव टिश्यू में जो ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है क्या बनाता है ग्राउंड सब्सटेंस सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर ग्राउंड सब्सटेंस दूसरी बात बेटा कोलेजन कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है इट एग्जिबिट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी में कौन सा अल्फा हेलिकल इसके तीन चेन होते हैं अल्फा हेलिकल की लाइक like दिस ये एक के ऊपर एक ऐसे टर्न्ड होते हैं दूसरी

अब आर ना मौसम है ना सर्दियों का खाओ ऑरेंज दबा के <laughs> क्या बेटा इंजाइम ये क्या करता है ये करता है बेटा प्रोटीन डाइजेशन डाइजेशन में पढ़ेंगे डाइजेशन चैप्टर में इंसुलिन एक हॉर्मोन है ये क्या करता है बेटा ये करता है ग्लूकोज का बैलेंस क्या करता है बेटा ग्लूकोज का बैलेंस आई होप आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो इट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज आई राइट हियर इट लोअर्स द ब्लड ग्लूको फिर आते हैं एंटीबॉडी पे आप सबको पता है एंटीबॉडी इन्फेक्शन से फाइट करती है डब्ल्यू बनाते हैं इन्हें रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन लाइक स्मेल टेस्ट हार्मोन एक्सेट्रा हर एक सेल के ऊपर एक प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन का रिसेप्टर लगा होता है लाइक दिस प्रोटीन का बना हुआ ठीक है हर एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगा होता है ऐसे जैसे हमने कीमो रिसेप्टर में किया था तो वो एक तरह का क्या है बेटा रिसेप्टर है एंड रिसेप्टर किसके बने हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं जैसे तुम पढ़ते हो ना इंटीग्रल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में तो इंट्रेंसिक प्रोटीन तो इंटीग्रल प्रोटीन यूजुअली दे फॉर्म या फिर प्रोटीन दे फॉर्म द रिसेप्टर उस पर केमिकल लगता है फिर आपको सेंसेशन आती है फिर है ग्लूट जिसका क्वेश्चन भी आता है ग्लूट फोर इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल अगर ये एक सेल है इस सेल के ऊपर मेमब्रेन में ये ग्लूट लगा होगा ये ग्लूट के ऊपर जब इंसुलिन आती है इस ग्लूट के ऊपर जब कौन आता है इंसुलिन आती है ये खुल जाता है और ब्लड में से ब्लड में से ग्लूकोस इसके अंदर जाता है ब्लड में से ग्लूकोस इसके अंदर जाता है ठीक है एंड दिस इज हाउ द इंसुलिन लोअर सी ब्लड ग्लूकोस फाइन और क्योंकि ग्लूकोस किस में चलेगी बेटा सेल्स में चलेगी तो ये थे बेटा फंक्शन आपके प्रोटीन के आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हाइड्रोक्सी मिथाइल इज द आर ग्रुप इन अमीनो एसिड ग्लाइसिन एलानिन सेरीन एंड aspartate इसमें होगा हाइड्रोक्सी मिथाइल हाइड्रोक्सी मतलब ओएच OH. अगर आपको पता है ओएच OH अल्कोहल वाले में होते हैं और अल्कोहल के एग्जाम्पल होते हैं सेरीन एंड मेथियोनिन तो क्या ये क्वेश्चन टफ है बेटा ये क्वेश्चन जरा भी टफ नहीं है तो आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट अवे सेरीन ये तो न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल इसका भाई गैविल और इसमें सीओएच एच होता है इसने पूछे हाइड्रोक्सीमिथाइल ठीक है तो आंसर क्या बना बेटा आपका थर्ड आगे विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या किया था लिव लाइफ इन वेगस प्लीज ट्राई माई ट्री ट्री रही हूँ टी तो उसमें बेटा आर्जेन तो क्या थे ये सेमी एसेंशियल थे ये नॉन असेंशियल था जो बाकी के दस बच्चे हैं वो नॉन असेंशियल है तो लाइसिन आपका क्या है बेटा ये है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड सो आंसर हुआ सॉरी फोर <laughs> <laughs> क्या कर रही हूं देखो आंसर so हुआ बेटा इसमें आपका फोर ओके okay? चलो नेक्स्ट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर सब्सिट्यूटेड मिथेन्स इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड आर ऑब्जर्व्ड

फोर्थ कह रहा है कि जब भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जो सी ओ एच और एन एच टू के साथ बनता है ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है पर उसने कहा सेम अमीनो एसिड का नहीं बेटा दो अलग अमीनो एसिड का तो आंसर यहाँ पर बेटा आपका क्या बना फोर्थ आंसर बना ठीक है कर लोगे बेटा ऐसे क्वेश्चन आप ओके okay. चलो बेटा दिस वाज इट दिस वाज इट अबाउट योर अमीनो एसिड एंड प्रोटीन प्लीज 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 इसको ध्यान से पढ़ना आ, और uh, बहुत अच्छे से बारीकी से इट्स इम्पोर्टेंट इसमें से क्वेश्चन भी आता है आई एल मीट यू विद बायो बायोमोलिक्यूल इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन क्या करना है हर बार नहीं बोलूंगी एनसीआरटी ओके बाय बाय